Assalamu alaikum viewers, how are you? I hope you are all good. Today I am going to make झटपट ready होने वाली बिरयानी. ये मेरे पास रेसिपी थी, मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ. मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ये, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ये मैंने 2 आनियन काट के रखे हैं मोटे मोटे, यानी कि रफली. और उसके नीचे मेरे पास कोई 5-6 क्लोव जो हैं गार्लिक के हैं वो भी हैं. इसके साथ ये आपको पोटैटोज नज़र आ रहे हैं, ये भी मोटे मोटे काटे हुए हैं. और इसके साथ ही आपको ये जो है टोमेटोज नज़र आ रहा है, वो भी ऐसे ही मैंने रफली काटा हुआ है. उसके साथ 2 कप मैंने ये लिए हैं राइस लिए हैं, और ये चिकन लिया. चिकन के मेरे पास लेग पीसेज हैं. आगे कैसे करना है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. मैंने अपना पॉट है ये मैंने रख दिया है स्टोव के ऊपर. उसके अंदर ये मैं 1 ग्लास पानी डालने लगी हूँ. उसके साथ ही ये सारे जो मैंने आपको दिखाए हैं सारी चीज़ें चली जाएंगी इसके साथ ही. साथ ही ये पोटैटोस चले गए. अब डालते हैं, अब आते हैं स्पाइसेस की तरफ. करते हैं अपना स्टोव ऑन करते हैं और अब स्पाइसेस डालते हैं. स्पाइसेस सेम सिंपल स्पाइसेस हैं. ये मैंने 1 टीस्पून जो है ये चिली फ्लेक्स डाले हैं, जिसको हम लोग कुटी हुई मिर्च भी कहते हैं. इसके साथ मैंने 2 टीस्पून जो है साल्ट डाल दिया है. उसके साथ ही मैंने क्यूमन सीड डाले हैं, वो भी जो है साबुत है, ये भी 1 टीस्पून कह लो डाल सकते हैं आप. उसके साथ आप 2-3 ये जो लौंग होते हैं यानी कि क्लोव्स होते हैं इनको डाल लो. अब मैं इसके साथ ही जो है ये बिरयानी मसाला जो है ये 2 टीस्पून ही डालूंगी. ये आपके सामने ही है, क्योंकि इसका थोड़ा सा बस ऐसे टच ही देना चाहिए, कि ये नहीं कि सारा ही बिरयानी मसाला नहीं डालना चाहिए. दूसरे जो घर के स्पाइसेस होते हैं वो डाल दें और थोड़ा सा टच इसका दे लें. अब मैं ऑयल डालती हूँ, और वो भी आपके सामने. हाफ कप इसके अंदर ही ऑयल डालने लगी हूँ. ये मैंने आपको बताया ना कि ये झटपट बनने वाली है. अब मुझे तो अंदाज़ा हो गया है कि इतना सा ऑयल डालूंगी और वो बिरयानी के लिए और इतने सा राइस के लिए इतना सा इनफ होगा, इसलिए मैं तो अंदाजे के साथ ही डाल लेती हूँ. अब इन सारी चीज़ों को ऊपर से कवर करते हैं, इसकी लिड ऊपर रखते हैं और इसको जो है पकने देते हैं. ऐसे क्योंकि एक गिलास हमने पानी डाला है और इसके अंदर ही सारी चीज़ें पक जाती हैं. जी देखें, ये हमारा ऑलमोस्ट उस पॉइंट पे आ गया कि अब हम इसको भून लें. और ये सारी चीज़ें गल गई हैं अंदर से, जो हमने ये प्याज ऑनियन एंड गार्लिक वगैरह डाला था सारा कुछ गल गया है. और ये हमारे पोटैटोज भी गल गए हैं, बल्कि मुझे तो लग रहा है ओवर कुक हो रहे हैं. और एक मज़े की बात बताऊँ, आज मैंने पोटैटो डाले हैं. ये हमारे डिफरेंट प्रोविंस के डिफरेंट कल्चर होते हैं ना, तो जैसे कि ये हमारा जो सिंध प्रोविंस है उसका ये कल्चर है कि वो बिरयानी में डालते हैं कि पोटैटोज, बड़े बड़े पोटैटोज डालते हैं. जैसे कि हमारे कराची वाले जो जो हमारे मेमन भाई हैं वो डालते हैं, और वो भी बहुत मज़े की होती है. मैंने 2-4 दफ़ा खाई है और मुझे तो बहुत मज़ा आया है. और हमारे ये जो पंजाबी हैं ये तो नहीं डालते, ये तो बल्कि उल्टा इसको मजाक समझते हैं कि फलाने का बिरयानी में पोटैटो डाले हुए हैं यानी कि आलू डाले हुए हैं. ये थोड़ा लो पे, और अब डालते हैं इसके अंदर योगर्ट और इसको फिर करते हैं मिक्स. जब भी आप योगर्ट वगैरह डालें तो फिर स्टोव को मस्ट लो स्पीड पे किया करें, क्योंकि अगर आपका स्टोव उसी तरह हाई स्पीड पे होगा तो फिर आपका योगर्ट अच्छे से मिक्स नहीं होगा. ये हमारा जो है चिकन मसाला ये रेडी हो गया है, क्योंकि बिरयानी के लिए रेडी किया है. अब हम अपना स्टोव बंद करते हैं, और ये कितने मज़े से और कितने जो है लेस टाइम में हुआ रेडी. और इसी तरह ही अब अगला प्रोसेस करते हैं. ये देखिए, मैंने राइस जो है बॉईल करने के लिए ये पानी डाला है थोड़ा सा,
तो इसके साथ मैं ये गरम पानी डालने लगी हूँ जो मैंने कैटल में गरम किया है, ये आपके सामने है। इससे और जो है टाइम बच जाता है काम करने में और आसानी हो जाती है, कि उबला हुआ पानी डाल लिया मैंने कैटल में बॉयल किया है और उसमें उधर डाल लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं सॉल्ट। ये देखें जनाब, ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा जो है ज़ीरा, जिसको क्यूमिन सीड कहते हैं, ये मैं करती हूँ ऐड। इसकी भी अच्छी जो होती है खुशबू आती है राइस में। और पानी ऑलमोस्ट मेरा बॉयल हुआ हुआ है क्योंकि मैंने एक कैटल जो है उबला हुआ पानी डाला है। अब मैं जो है मैंने जो है वो 2 to 3 hours से जो थे राइस भिगो के रखे हुए थे, क्योंकि अगर इस तरह आप लॉन्ग टाइम के लिए राइस भिगो के रखेंगे तो आपके राइस बड़े अच्छे बनेंगे। अब ये देखें हमारा जो है पानी ये उबल गया है। अब इसमें ऐड करते हैं अपने राइस। ये देखें जनाब, और इसको फिर हमने ऑलमोस्ट जो है 90% कुक करना है और फिर हम इसको अपने मसाले में ऐड कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने अपने राइस जो है ये स्ट्रेन कर लिए हैं और अब इसको मिक्स करते हैं। तो मिक्स ये मैंने हाफ जो है ये मसाला मैंने नीचे डाल दिया है और हाफ मैं ऊपर डाल लेती हूँ। वेरी इजी राइस मेरी, और ऐसे ही हाफ राइस डाल लेती हूँ। ये देखें कितना इजी है करना, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। अब ये थोड़ा सा येलो कलर डाल रही हूँ, मेरे पास वो रेगुलर नहीं था आज, ये बेकिंग वाला मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये डाल रही हूँ। और कहीं कहीं आप भी डाला करें, जो ज़्यादा येलो हो जाते हैं या एक तरह की हो जाती है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। चले इनफ है, अब इसको मैं जो है दम पे रखती हूँ। माशाल्लाह मैंने दम खोला है और अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। कितनी प्यारी लुक आई है माशाल्लाह। जनाब ये देखें हमारी जो है जल्दी जल्दी बनने वाली, जिसको कि झटपट बिरयानी का नाम दे ले, ये रेडी हो गई है और आपके सामने है। ये विद इन 30 मिनट रेडी हो जाती है, जैसे जैसे मैंने स्टेप किए है अगर आप इस तरह स्टेप करेंगे। और एक और बड़ी मज़े की बात के इस तरह अगर हम मसाला अपना रेडी करें तो हमारे घरों में वो जो ज़्यादा स्ट्रांग सी स्मेल फैली होती है ना बिरयानी की, वो नहीं फैलेगी, के मुंह में भी ज़रूर पानी आ रहा होगा। आप भी ज़रूर ट्राई करना। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये जो है कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपने जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं ये आप डाला करें, जैसे जैसे आप लोग अपने घरों में पसंद करते हैं वो सब आपकी जो है चॉइस होती है। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़, इसको जो पहले जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ज़रूर थम अप दिया करें, कि लाइक ज़रूर किया करें। अगर कोई न्यू मेरी रेसिपी देख रहा है तो वो मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़, एंड एडवांस थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुश रखें, बाय।